students, fourth point, object between 2F2 and F2, F2 and 2F2 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होगी? एक आप ऑप्टिकल सेंटर से सीधा भेज दीजिए, ये रिफ्लेक्टिव रे विल गो स्ट्रेट, दूसरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज दीजिए, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू F focus. यहां पर उसका इमेज बनेगी, AB ऑब्जेक्ट है, A डैश B डैश इसकी इमेज बनेगी. अब देखिएगा, दो रेज भेजी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस एंड सेकंड रे इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट एंड दे विल इंटरसेक्ट एट ए डैश. तो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी. इस उसकी ये है कि ये इमेज बिगर साइज होगी, बिगर इन साइज, इन्वर्टेड होगी, दिखाई दे रही है, रियल भी होगी, इन्वर्टेड सारी रियल होती है. एंड बियॉन्ड 2F1 ये बनेगी बियॉन्ड 2F1, 2F1 से बियॉन्ड बनेगी, इन्वर्टेड है, रियल है, साइज बिगर है, दिखाई दे रहा है. दो रूल से जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज की आप पोजीशन ले सकते हैं. इसमें नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट F2, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. अगर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लिया आपने, इनकेस आप पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो यहाँ से जितनी रेज ऑफ लाइट हैं ये एफ से जा रही हैं, दे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. फोकस से जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं दे विल बी रिफ्रेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और उसका इमेज भी इन्फिनिटी पर बनेगा. तो यहाँ ये देखिए, इमेज एट इन्फिनिटी, दूसरा साइज बिगर, तीसरा रियल, चौथा रियल है तो इन्वर्टेड जरूर होगी, ये इसका इमेज फॉर्म होगी. एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं, फोकस पर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑल द रेज विल बी गो थ्रू एफ, तो ये विल बी रिफ्रेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दे आर अज्यूम टू मीट एट इन्फिनिटी, वहीं पर इमेज बनेगी. नाउ नेक्स्ट लास्ट है, उसके बाद ये हम ये ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस,
यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां जरा इसे रब कर देते हैं। ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनेगी, इसलिए ऑब्जेक्ट को छोटा ले लिया जाए तो कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो यहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस की जो रे पैरेलल होगी, ये पास होगी एफ से, यहाँ इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ एक इंसिडेंट रे उसमें भेजो ऑप्टिकल सेंटर से, इट विल गो स्ट्रेट। अगर आप इन रेज को आप आगे बढ़ाएंगे दे विल नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर। इफ यू विल सी फ्रॉम हेयर, यहाँ से देखेंगे, यू विल फील दैट दीज रेज आर कमिंग, जरा बैक साइड में प्रोसीड कर दीजिए तो यहाँ से आपको महसूस होगा। ये रेज यहां से आ रही हैं, और इसका इमेज बनेगी यहां पर, ए बी है, ए डैश बी डैश आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट से रे चली, रे ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये सीधी चली जाएगी, रिफ्रैक्शन हो गया, सही होगा इसका। और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो रिफ्रैक्ट होगी थ्रू फोकस। दीज आर डाइवर्जिंग हेयर, यू विल सी फ्रॉम हेयर, यू विल फील दैट दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम ए डैश, तो ए डैश बी डैश पर यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगी। इमेज की खासियत है, पहली इरेक्ट है, दूसरा इरेक्ट है तो वर्चुअल है, तीसरा बिगर इन साइज है, दिखाई दे रही है बिगर इन साइज है, और चौथा कहाँ पर बन रही है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रहा उधर ही साइड में बन रही है। उसमें जो ये है, इसमें एक तो सीधी इमेज बनती है इरेक्ट, नंबर दो साइज में बड़ी होती है, तो इस फॉर्म में फोकस बीच में रख कर लेंस को इसको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको रीडिंग करने वाले एक हैंडल होता है, उसमें देख के यों देख के पढ़ते रहते हैं, उस पर जहाँ अक्षर लगे होते हैं यों देख के पढ़ते रहते हैं, उससे क्या होता है उसकी बिगर साइज की इमेज बन जाती है, अगर उनकी आईसाइट वीक है तो इट इज यूज एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में जितनी पॉसिबल इमेजेस थी इस तरह बनती हैं, और इसके आगे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि कहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, हर तरह इसके मैंने बता दिया। अब लेते हैं रिफ्रैक्शन इन कॉनकेव लेंस। नाउ इमेज फॉर्म इन ए कॉनकेव लेंस, ये कहीं भी रख दो इसका एक डायग्राम बनता है। पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज दीजिएगा, और ये यहाँ पर इसके एफ से जाएगी, एफ से रिफ्रैक्ट होगी,
तो मीन्स ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगी, पीछे से आप बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जो है होगी, यहाँ आप इधर से देखेंगे, यू विल फील दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम फोकस। दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से भेज दीजिए, ये स्ट्रेट जाएगी, और इसका इमेज जो है यहाँ बनेगी, ए डैस बी डैस इसका एक ही डायग्राम बनता है, पॉसिबल है। रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट को रख दिया इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कॉनकेव लेंस, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, इधर निकल जाएगी। दूसरी इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो रिफ्लेक्टेड स्टेट, रिफ्लेक्शन स्टेट होगा। तो दे यहाँ से दे आर डाइवर्जिंग, ये रेज इसकी फैल रही है, इसलिए डाइवर्जिंग, सॉरी डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, डाइवर्जिंग यहाँ पर वो बनेगा। इसका जो इमेज होगी स्मॉलर साइज में होगी, साइज स्मॉलर दिखाई दे रहा है। दूसरा देखकर ही मालूम था इरेक्ट है, तीसरा इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, चौथा ऑब्जेक्ट की उसी साइड बनेगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी मेरे, ये इसकी खासियत है। एक ही डायग्राम पॉसिबल है कॉनकेव लेंस में, लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/V - 1/U = 1/F, वी स्टैंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, VF फोकल लेंथ, ऑफ लेंस, इसमें फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन तो वही रखिए, राइट साइड को सारी डिस्टेंस प्लस होंगी, लेफ्ट साइड को माइनस होंगी, यही फॉर्मूला, ये साइन कन्वेंशन। नाउ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज 1/F, ये मीटर में ली जाती है, या is equal to 100/F सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लो तो 100/F, मीटर में लो तो 1/F, ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है, आ जाता है। और इसका यूनिट है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट है, यूनिट डायप्टर डी। 1D का फॉर्मूला, 1 डायप्टर कितना होता है, पी की जगह 1 रख दीजिए, 1 is equal to 100/F सेंटीमीटर्स में, F is equal to 100 cm और 1 meter। 1 डायप्टर मुझे, 1 डायप्टर कितना होता है, पी की जगह 1, ये फॉर्मूला है, मीटर में लाएंगे 1/F, सेंटीमीटर में 100/F, तो इसमें पी की जगह 1 रख दीजिए, ये आ जाएगा 100/F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, F = 100 cm आ जाएगा। जिस लेंस का फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है उसकी पावर है 1 डायप्टर। अगर कम्बिनेशन ऑफ वो कर दें तो
पावर और लेंस पी, पी जो है दो लेंस हैं, एक की पावर पी वन है दूसरी पी टू है, तो ये पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू ये इस तरह इसका हो जाता है पावर, दो लेंस हैं जिनकी पावर ऐड हो जाती है, इसलिए पावर लेंस की एग्जिस्टेंस ही बताने के लिए जरूरी है। अब ये रिफ्रैक्शन इन लेंसेज खत्म हुआ, और फिर अंत में मैं ये कहूँगा, अब आप लोगों को ये कहूँगा, वीडियो बार बार देखिएगा सुनिएगा और समझिएगा और नोट्स टेक डाउन कर लीजिएगा, नोट से आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, और जो है बार बार पढ़ना ज़रूरी है। हम तो अनपढ़ माँ बाप के पढ़े लिखे बच्चे थे इसलिए पढ़ते थे, कोई भविष्य क्या होगा पढ़ते चले जाते हैं, ना कोचिंग था उस समय, हमें आइडिया नहीं था, होगा तो सही पर हम गांव में रहते थे, बस टीचर अच्छे पढ़ाने वाले मिल गए, उन्हें बार बार पढ़ते रहते थे, तो ये हो गया। और वरना 10-12 साल से इंग्लिश का लेक्चर रहा हूँ, मुझे पहले ही 50 वर्ष का ये जो रटा हुआ है, क्योंकि मुझे मैंने एग्ज़ाम से जाने से पहले 25 टाइम्स सारा सिलेबस रफ कर लिया था, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप भी करिएगा, बार बार वीडियो देखिए, लिख के प्रैक्टिस करिए और नोट्स टेक डाउन कर लीजिए, नोट्स से आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो और मैं कहता हूँ, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया हमारा चैनल, हम उनको शुक्रगुजार हैं।